तो अमल लगा हमारी जो इतना काम करता है करा भी दिया उसने। हाँ बच्चे गिरेंगे, ये बूढ़े बैठे हैं बेचारे, सब परेशान बैठे हुए, पानी वादे पूरे काम अधूरे, नरक बना दी जिंदगी इन्होंने, जिंदगी सेंटर लेके गिरते इसे निकल तो जान दो। देखो भाई बात मेरा नाम शहजाद मलिक है और मैं ही गली नंबर 9 का निवासी हूँ। यहाँ समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की निकासी की समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ इलाके में पानी की निकासी नहीं है और ये पानी की निकासी की समस्या जब से ज्यादा हुई है जब से हमारे विधायक पंकज पुष्कर जी यहाँ आम आदमी पार्टी के जीत के आए, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी भूल अगर हमारी कोई है तो वो ये है कि हमने ऐसे आदमी को वोट दिया जिसने जनता को नकार दिया। ऐसा एक जिम्मेदार आदमी, अगर आप उनकी अल्फाज सुनेंगे कि उनका कहना क्या है, वो ये कहना है उनका कि जब कॉलोनी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने उनसे कहा कि हमारी इतनी बड़ी समस्या हो रही है, आप इस समस्या का कुछ समाधान करो, तो वो उनको कहते हैं कि अभी तुम्हारी हालत कुछ भी नहीं बिगड़ी। यहाँ मुफ्ती जावेद साहब है एक, उनसे अल्फाज ये उनका जवाब मिला कि अभी कॉलोनी की हालत कुछ भी नहीं है, इसकी हालत तो मैं इसे ही बद से बदतर करूंगा, वो उन्होंने सब कर दिखाया। एक हमारे यूनिक बाजार वाले हाजी शकील साहब हैं, उन हाजी शकील साहब ने एमएलए साहब से जब पूछा कि एमएलए साहब कुछ करो हमारे लिए, कुछ करो, कुछ बजट दो, कुछ लगाओ यहाँ, उनका जवाब ये मिला कि ले रहे शकील भाई एक बात बताऊं, एक मिसाल सुनी है आपने, क्या मिसाल ये है वो कि देखो जब किसी को अपने अंडर में करना हो ना, अपने कब्जे में करना हो तो उसका भूखा रखा जाता है। क्या यहाँ की जनता को क्या जानवर समझ रखा है विधायक ने? क्या यहाँ की जनता को पागल समझ रखा है? भूखा किसे रखा जाता है? जो जंगल के जानवर होते हैं उन्हें भूखा रख के फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये अल्फाज हमारे विधायक के हैं। बात कहना चाहता हूँ आप चैनल के माध्यम से कि विधायक जी एक वो बुजुर्गों की कहलावत है, मत सता मजलूमों को, मत सता इन गरीबों को, ये परेशान होके रो देगा, अगर निकल गया एक भी आंसू इनकी आंखों से तो पूरी जिंदगी तेरी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, तो सब कुछ खो देगा। तो क्या कहना चाहते हैं, लोकसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, एमपी की बात करें तो यहाँ पर क्या सांसद वगैरह यहाँ आए विजिट किया कभी, विधायक ने नहीं किया तो सांसद के अंदर में आ देना। देखो ये सांसद की तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ के जो सांसद है, पहली बात तो यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है कोई सांसद को शक्ल भी नहीं देखी भाई, किसी ने किसी कभी आगे सांसद को देखा है? यहाँ के लोग जो है सांसद का नाम तक नहीं जानते, और सांसद से अगर आप जाके पूछोगे कि आपके इलाके में आपकी लोकसभा के अंदर कोई वजीराबाद भी है, सिर्फ वजीराबाद वो सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते हैं जहां उनकी बेइज्जती हुई थी, जहां उनको मारा गया था, उसके अलावा उनको ये भी नहीं पता कि वजीराबाद कहाँ है। सांसद के बजट से यहाँ एक पैसा नहीं लगा, एमएलए से बात करते हैं, एमएलए का जवाब हमेशा ये होता है भाई बजट की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे पैसे की जब तुम्हारे पास कमी नहीं है तो फिर विकास क्यों नहीं हो रहा, यहाँ का काम क्यों नहीं हो रहा, यहाँ की जनता क्या सोचेगी आपके बारे में? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं कैकरी नंबर 9 का निवासी हूँ। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि गली नंबर 9 में हमें जो ये सड़कें टूटी हुई है और जो एमएलए साहब ने वादे किए थे, हमें उसे अनुरोध है कि वादों को अपने पूरा करें, उन सड़कों को बनाए, और अगर उनको दोबारा वोट हासिल करना है तो अपने वादों को पूरा करना होगा, वरना वोट की कभी भी यहाँ पर आके मांगने की वो कोशिश ना करें,
उनको जनता जवाब देगी और वो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। दिल्ली सरकार तो आज भी दावा करती है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम दिल्ली सरकार ने कहा है। बिल्कुल नहीं करा जी, हमारे पास तो आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। हमारी बातों में जाए, आप खुद गली का सर्वे कर ले, 9 नंबर की गली है, आपको खुद चिल्ला चिल्ला के बताएंगे क्या हालत हुई पड़ी है। ये तो आपके सामने हमारे कहने से और आपके सुनने से कुछ थोड़ी होगा। जो मौके के हालत है, मौके में जाके साइड सीन देखिए, आप पता लगेगा आपको। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी के पास सिर्फ दो चीजें हैं, पहला नंबर भाषण, दूसरा नंबर आश्वासन।